Hello everyone. Today we are at Dholi Shanti Stupa. आप लोग देख रहे हैं, बहुत फेमस स्मारक है Dholi Shanti Stupa. तो चलिए देख लेते हैं. तो आप लोग जानते ही होंगे, कलिंग राज्य था, तो कलिंग का लड़ाई हुआ था, तो सम्राट अशोका ने लड़ाई जीता था और काफी लोगों का नरसंहार हुआ था. तो जैसे आप जानते हैं, तो इसके बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, खुद एक बौद्ध भिक्षु बन गए. तो वैसे ही कलिंग का युद्ध होने के बाद ये जगह से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरा विश्व शांति के लिए प्रतिज्ञा लिए थे. अब चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे स्वयं बुद्धा का मूर्ति है. और इस तरफ आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नजारा. पहाड़ के ऊपर अभी सूर्यास्त होने का टाइम है. आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नजारा है. आइए. अभी देखिए, एकदम ठीक इसके बगल में ये नदी देख रहे हैं आप, ये दया नदी बहता है. तो कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने ये कलिंग का युद्ध किया था, तब ये दया नदी लाल हो गया था, रक्त से लाल हो गया था, रक्तसान हो गया था. तो तभी ये दया नदी को देख के बुद्ध ने डिसाइड किया, ये नरसंहार करने के कारण कितना लोग प्राण गंवाए थे, कितना परिवार बर्बाद हो गया था. उसके बाद सम्राट अशोक ने सिद्धांत लिया कि वो बुद्ध धर्म को अपनाएंगे और यहाँ से बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू करेंगे. तो तब से ये जगह सम्राट अशोक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह माना जाता था. बाद में जाके बौद्ध गुरु ने ये जगह को स्पॉट किया और उड़ीसा गवर्नमेंट के मदद से ये स्तूपा का निर्माण किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. अभी देख रहते हैं कि बुद्धा यहाँ पे शायित है निद्रा मुद्रा में. आइए इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध का गाथा दिखाया गया है और सम्राट अशोक का धर्म प्रचार भी दिखाया गया है इस स्तूपा में. अब आइए देखिए, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर स्मारक है. ये स्तूपा शांति प्रतिष्ठा का कारण यहाँ पे बनाया गया है, विश्व शांति के लिए ये स्तूपा का निर्माण किया गया है. बुद्ध धर्म का गुरुजी ने यहाँ पे आके खुद ये स्थान विश्व शांति के लिए, सबके लिए बुद्ध धर्म का प्रचार और सच्ची मायने में क्या मतलब होता है ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये असाधारण स्तूपा का निर्माण किया गया है. आप देख सकते हैं इसका आकार बहुत ही सुंदर है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं
बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सूर्यास्त होने का टाइम हो गया है, देखिए यहाँ पे हर समय बहुत ही भीड़ लगा रहता है देखने के लिए। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है, आप देखिए सूरज अस्त हुआ, आप देख रहे हैं, अब देखिए बहुत ही भीड़ है। आपको यहाँ पे ज़रूर एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए और मैसेज को समझना चाहिए। सम्राट अशोक यहाँ पे खुद को बौद्ध के हिसाब से खुद का जीवन को परिवर्तन कर लिया था। यही शांति का वातावरण, शांति का जो मैसेज यहाँ से सबको विश्व शांति के लिए दिया जा रहा है। तो आइए तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर मत करना भूलिएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। विश्व शांति के लिए सबको मेरा शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।